फिर अपनी कारकर्दगी और कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि ड्रग्स कौन लाता है, ये बेचता कौन है, ये इस्तेमाल कौन करता है, मरता कौन है, लोकल आप अपने लोग कितने लोगों को आपने सोसाइटी में आज तक ड्रग्स की फरोख्त करने के लिए बाइकॉट किया है मुझे बताइए, हाथ खड़ा करें। कई लोग रंगे हाथों पकड़ते हैं कि ड्रग्स के कारोबार में नए से कितने लोगों ने उनको समाज में बाइकॉट किया कि भाई आप गलत काम कर रहे हो, आप समाज में जहर जो है ना उसका कारोबार कर रहे हो, आपने किसी ने हिम्मत की थी? हमारा काम जो है पुलिस का वो ड्रग पैडलिंग को कंट्रोल करना है, मैं ये बात भी वाजह तौर से करना चाहता हूँ। ड्रग पैडलिंग का मतलब है ड्रग्स की तस्करी, उसकी स्मगलिंग, उसकी पैडलिंग को कंट्रोल करना है, उसके जो मुसलमान है उनको पकड़ के कानून के दायरे में लाना है। ड्रग एडिक्शन जो एडिक्ट हो गया उस एडिक्ट को मेहमान करके आप एक बीमार तस्वर करें, वो बीमार है, वो भी एक बीमारी है और इसका पूरा इलाज हो सकता है और इसका इलाज हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे हॉस्पिटल्स और बाकी इस तरह के अदारे कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? इन जवान लोगों को हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जो हमारी सोसाइटी है, वो जो हमारी फैमिली है, वो इसको इतना बुरा मान के तस्वर कर रही है। क्या अगर हमारे यहाँ किसी को खुदा ना खास्ता कैंसर की बीमारी है, क्या इसका इलाज हम नहीं करते हैं? क्या उसके लिए 10,000 जाके टेस्टिंग कराते हैं? क्या उसके बाकी डिफरेंट जो भी कंट्री में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, क्या आप वहां नहीं जाते हैं? हमारी फैमिली का बुजुर्ग है या कोई भी आदमी जो बीमारी में मुलविस है उसका अच्छे से अच्छा इलाज करें। ड्रग एडिक्शन में मरने वालों के साथ ज्यादातर जो हमारी स्टडीज है वो ये है कि उनका इलाज क्योंकि घर वालों ने भी छुपा लिया, मोहल्ले वालों ने भी छुपाया, शायद इसमें कोई शर्मिंदगी है, उसका इलाज ही नहीं हो रहा है। आज आपके पास वक्त ही नहीं है, आप उसको बाइक दे सकते हैं, मोबाइल दे सकते हैं, उसको कंप्यूटर दे देते हैं, उसको जीन्स देते हैं, उसको अच्छा खाना देते हैं, पिज्जा देते हैं, बर्गर देते हैं, वक्त कम देते हैं, सीने पे सुनाते थे, लोरियां सुनाते थे और छोटे बड़े की तमीज करते थे। ये मोहल्लेदार है, ये चाचा है, ये ताया है, ये मामू है, इमाम साहब है, ये पंडित जी है, वो लिहाज तो खत्म हो गया। वक्त की जरूरत है कि वो साइलेंस के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, उसके लिए हमारी तमाम अदारे, हमारी तमाम फोर्स जो भी है वो दिखा काम करेगी। उसके बाद हमारे लिए ये है कि सोशल इश्यू है ड्रग्स, इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हम पूरी कोशिश करें। ड्रग्स का जो भी स्टेटिस्टिक्स है आपने देखा होगा, जिसके साथ जो आप लोगों ने बताया काफी अच्छा काम किया है, बिल्कुल, लेकिन ये हमारी प्रायोरिटीज में है, ये नंबर टू प्रायोरिटी है कि एंटी ड्रग्स ड्राइव हम चलाएं। तो उसमें ये जो भी कामयाबी मुमकिन हो पाई, ये कामयाबी तभी मुमकिन हो पाई जब आप लोगों ने साथ देना शुरू किया, क्योंकि जब आप लोग जाने की ये बड़ी चीज है इस पे काबू किया जाए। और अगर इतने सारे लोग जो यहाँ के काफी मॉसेज लोग हैं, डिफरेंट अधारों से आए हुए हैं, गाँव के हाथ से जाए, अगर इतने लोग हमारे साथ हैं तो इस प्रॉब्लम को हल करना मुझे लगता है कोई ज्यादा मुश्किल काम आप नहीं है, अच्छी नहीं है, इसका बुरा मत मानिएगा, लेकिन इसको समझिए जरूर। सबसे पहली बात, झूठे पर्चे लगाना, झूठे पर्चे एक दूसरे के ऊपर मत लगाइए, उससे आप उस आदमी को परेशान नहीं करते हैं, आप अपना वक्त, एनर्जी, पैसा एक गलत दिशा में लगाते हैं, 15-20 साल पूरे कचहरी में घूमते रहते, हासिल कुछ नहीं। इस चीज से परहेज करिए और कम से कम खुदा भगवान परमात्मा जिसको मानते हैं अगर वहां हिसाब दे रहा है तो ये सोचिए हम गलत नहीं करेंगे। गलत पाई वो ये है कि इनके दो साहिबजादे दिल्ली में पढ़ रहा है, श्रीनगर में पढ़ रहा है, एक साहिबजादे ने लड़ाई की, आप एफआईआर में तीनों का नाम लिख देते। मैंने अभी तक जो भी 5 या 6 केसेस मेरे पास आए वेरीफाई किया, वहां पे बिल्कुल जो मुस्लिम था वो गलत पाया गया, हमारी पुलिस भी गलत नहीं पाएगी। ऐसा मत करिए, आप एक दूसरे की टोटल झड़े काटने की कोशिश मत करें, जो मोटिव था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो वहां पे इविडेंस है, जो वहां पे गवाह है उनके भरोसे